कर रहे हैं मैग्निफाइड लुक द सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस. कल हमने निकाले थे मैग्निफाइड एट द सेंटर ऑफ द लूप. कल निकाला था मैग्निफाइड एट द सेंटर ऑफ लूप. देखो आपके सामने एक रिंग टाइप में बनी है. देखो ये लूप है. कल आपने सिर्फ इसके सेंटर पे यहाँ बात करी थी. आज आप इस रिंग को ऐसे रखेंगे, ठीक है, और इस रिंग के इस एक्सिस पे यहाँ पे मैग्नेटिफील्ड क्या करेंगे, फाइंड आउट. ये मैंने छोटे से तार से बनाने की कोशिश करी है. ये रिंग इस रिंग से इस एक्सिस पे जब बोर्ड पे दिखाते हैं तो इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे ऐसे दिखाना 3D में होता तो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए बोर्ड पे रिंग को सामने फ्रंट वाला फेस दिखाते हैं. वॉइस क्लियर नहीं आ रही? वन सेकेंड. अभी देखो, अभी क्लियर आ रही है? देखो एक बार, हमारे पास ये आपको दिख रही है एक रिंग है, ठीक है. अब कल जो हमने पढ़ा था, कल हमने सेंटर पे मैग्नेटिफील्ड निकाली थी रिंग के, ठीक है. ये एक मैंने छोटी सी रिंग बनाई है, इसमें आप क्या करेंगे, रिंग के सेंटर पे नहीं, इसके एक्सिस पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे, इधर से भी और इधर से भी, यहाँ पे कहीं पे मैग्नेटिफील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है. आज हमें निकालनी है ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है. तो देखिए आपके पास ये एक सर्कुलर लूप है. अब मैं बोर्ड पे ऐसे बनाऊंगी इस सिस्टम को. ये एक सर्कुलर कॉइल है आपकी, इसका ये वाला फेस दिखाऊंगी ऐसे, ऐसे वाला तिरछा, ठीक है. अब आपके पास यहां से कल किसी पॉइंट पे, कल हमने सेंटर पे मैग्नेटिफील्ड निकाली थी, आज हम निकालेंगे एट एनी एक्सिस, ठीक है. तो एक्सिस के लिए निकालने के लिए हम क्या मानते हैं, सबसे पहले डीएल एलिमेंट. सबसे पहले क्या मान लेते हैं, रिंग के ऊपर डीएल एलिमेंट. हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोट सर्वर्स लॉ. ये आईडीएल, जिधर आई होता उधर ही डीएल होता है, इनटू आर, ठीक है. आईडीएल आर, ये एंगल थीटा था. डीबी की वैल्यू निकाली हुई है म्यू नॉट अपॉन 4π आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4π डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर की. तो यहां से ये बात यहां याद रखना, क्योंकि लूप है ना, इसको मैं थोड़ा वैसे दिखाऊंगी तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए बता रही हूँ. यहाँ पे ये बात बताई थी कि क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है. क्रॉस प्रोडक्ट में जो आप कहते हैं ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू एन कैप, तो ये एन जो है ए के भी परपेंडिकुलर होता है और ये एन बी के भी परपेंडिकुलर होता है. सिमिलरली यहाँ पे जो डी बी है वो डी एल के भी परपेंडिकुलर है, और जो डी बी है आपकी वो आर के भी क्या है, परपेंडिकुलर है. डी बी जो एलिमेंट है, ठीक है. तो यहां से डीएल एलिमेंट वाले, तो ये देखो करंट अंदर जा रहा है. मान लिया कॉइल के अंदर करंट आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है. कॉइल के अंदर जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है आपके पास इस डायरेक्शन में, ठीक है. तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आपके पास इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कहीं पे आप क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली ये, तो ये डिस्टेंस आपने ये मान ली और ये है आपकी रेडियस आर. ये क्या मान लिया आपने, रेडियस आर मान ली, ठीक है. इसी तरह यहाँ पे भी आपने रेडियस को आर मान लिया. एक बार ये पॉइंट नोट कर लो, फिर आगे जगह नहीं है, मैं लिखूंगी एक बार. ये इधर नोट कर लो, फिर मैं हटा देती हूँ. बस स्क्रीनशॉट ले लो सारे. ले लिया. इसके डायरेक्शन मैं आपकी बार ऐसे मान लेती हूँ, थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा आपको इस तरीके से. बाकी मैं दोनों दिखाऊंगी, चिंता मत करना. लास्ट के केस में दोनों केस दिखाऊंगी मैं, ठीक है. मेरे पास डायरेक्शन करंट की मान लिया, करंट में कॉइल तुम्हारी मर्जी है. लिख लिया ना, इधर हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना इधर से. अब देखो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीएल के भी परपेंडिकुलर है और डीआर के भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है. मैंने मान लिया कि कॉइल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है. वो कुछ भी हो सकता है, कॉइल में करंट क्लॉकवाइज भी हो सकता है और आपका एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकता है. दोनों केस डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, ठीक है. अब ये जो डीएल है ना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है. तो डीएल जिधर आई की डायरेक्शन होती है उधर ही डीएल की डायरेक्शन होती है,
जिधर आई है आई करंट अंदर जा रहा है कॉइल के, ठीक है, यहाँ पे आई करंट अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? देखो आई करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके पास, इस करंट, देखो ये आई ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगा, क्या होगा? ये माइक ऑफ करो बेटा एक बार अपना, किसका ऑन है? तो आपके इसके केस में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसके कारण ये डीबी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। देखो ये डायरेक्शन थोड़ा मैं दिखा देती हूँ अलग से, कि आपके पास ये डीएल एलिमेंट है, ये डीएल एलिमेंट मान ले ऐसे, दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। आपकी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन ये है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, ठीक है। देखो ऐसे जा रही है, मेरा डीएल ऐसे, मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास ये करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो मेरे पास ये करंट ऐसे जा रहा है और मेरे डीबी देखो इधर जा रही है ऊपर की डायरेक्शन, देखो इधर ऐसे, देखो ये मेरा डीएल और मेरी डीबी इस पी पॉइंट पे ऐसे जा रही है, तो डीबी ऐसे जाएगी। यहां से इसका रिजोल्यूशन कर लो, ठीक है। ये डायरेक्शन समझ आई सभी को या नहीं आई? फिर से देख लो, देखो मैं इधर से दिखा रही हूँ, तो देखो ये कोई पॉइंट पी नजदीक सा दिखा देती हूँ एक बार, ये कोई पॉइंट पी है, ये रहा पी पॉइंट, ये डीएल एलिमेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे, मेरी अंगूठा इधर और मेरी उंगली इधर, उधर ऐसे जा रही है, तो देखो ये ऐसे चला जाएगा। इसी तरह नीचे वाले के कान ये ऐसे चला जाएगा, जो कि मैंने यहाँ दिखाया, ठीक है। तो ये जो डीबी है, ये एंगल मान लिया आपके पास थीटा बना, तो ये एंगल भी मान लिया कितना होगा आपका, थीटा होगा। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां से क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो जब ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा होगा। क्यों? देखो एक बार कैसे होगा, देखो आपको ये तो पता है ना, डीबी आर के परपेंडिकुलर है, ये रेडियस आर है, ये है आर आपके पास, डीबी इज परपेंडिकुलर टू आर, डीबी जो है आर के परपेंडिकुलर होगा, तो ये यहां से पूरा एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। और ये एंगल जो देखो यहां से, एक बार नीचे दिखा रही हूँ, इस बीच वाले से यहां तक का एंगल भी 90 डिग्री है, यहां तक का एंगल भी कितना, 90 डिग्री। और नीचे वाले समझ लो कि ये तो समझ आ रहा है, देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल थीटा है आपके पास, तो ये एंगल कितना बना, 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना बना, 90 माइनस थीटा। इसको थोड़ी देर के लिए मैं एक्स कह देती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको एक्स कह दिया, तो ये पूरा एंगल देखिए यहां से क्या बनेगा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये पूरा यहाँ, क्योंकि डीबी जो है इसके परपेंडिकुलर आर के, तो ये पूरा एंगल किसके बराबर है, 90 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास 90 से 90 कैंसिल, तो थीटा बराबर आ गया किसके, थीटा के आपके पास। तो जब ये एंगल थीटा बनेगा तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा आपका, थीटा बनेगा। नहीं आया समझ में, फिर से बताती हूँ, देखो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, दो 90 बन रहे थे, इसलिए हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा हो, कि आपके पास ये जो डीबी है ये आर के परपेंडिकुलर है, मतलब डीबी जो है यहां से यहां तक, डीबी यहां से यहां तक एंगल क्या बना रही है, 90 डिग्री। छोटी सी बात। दूसरा, ये जो डीबी है ये भी इसके साथ, इसके साथ, क्योंकि डीबी आर के परपेंडिकुलर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, क्योंकि डीबी यहाँ डीएल के क्या है, परपेंडिकुलर है, डीबी डीएल के क्या है, परपेंडिकुलर, डीएल ऐसे है तो डीबी ऐसे है, ये ऐसे है तो ये ऐसे है, तो इनके बीच में एंगल ये 90 डिग्री है, तो जब डीबी जो है डीएल के परपेंडिकुलर है तो डीबी जो है आर के भी परपेंडिकुलर होगी, ये बात तो क्लियर है, डीबी डीएल और डीआर दोनों के क्या होगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी। तो देखिए ये डीबी एलिमेंट है, ये आर है, डीबी और आर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। और ये एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा डॉटेड लाइन वाला, ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो देखो आपको ये पता, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का ये पूरा एंगल कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। तो मैंने कहा ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, सपोज मान लिया, तो ये एंगल कितना बचाएगा आपका, 90 माइनस थीटा ही तो बचेगा, बोलो। सिमिलरली यहां देखो कि आपके पास ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का ये पूरा एंगल कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो जब ये एंगल आपके पास थीटा है तो ये एंगल कितना बचा आपका, 90 माइनस थीटा,
ये एंगल कितना बच गया आपका 90 माइनस थीटा। अब देखो यहां से अब क्या होगा आपके पास, ये देखो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस एक्स, ठीक है, बराबर होगा किसके, ये पूरा एंगल कितना बचा हुआ है 90, देखो ये एंगल है 90 और ये एंगल थीटा, तो यहां से देखो पूरा एंगल ये यहां से यहां तक का ये पूरा एंगल कितना मैंने लिखा थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये एंगल सॉरी भाई ये एक्स है, एक्स प्लस 90 माइनस थीटा, एक्स प्लस 90 माइनस थीटा बराबर 90 होगा, देखो एक बार फिर से ये पूरा एंगल 90 है ना, देखो ये पूरा एंगल 90, ये एक्स ये 90 माइनस थीटा, और ये मैं कह रही हूँ पूरा एंगल किसके बराबर है 90 के, क्योंकि DBDR के परपेंडिकुलर, DBDR के परपेंडिकुलर है, तो मैंने क्या कहा x प्लस 90 माइनस थीटा बराबर 90, तो देखो 90 से 90 चला गया, तो x बराबर थीटा आया या नहीं आया बताओ, इसको मैंने x कहा था, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, बाकी मैं किसी को डायरेक्ट याद रखना डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है समझ आया, तो जब ये एंगल थीटा है तो आपका ये एंगल भी बाई ज्योमेट्री कितना आया थीटा, ठीक है, इसी तरह ऊपर वाली ज्योमेट्री भी आप सोल्व कर लेंगे कि जब ये थीटा है तो ये भी क्या आ जाएगा आपका थीटा, समझ आया, एक बार फिर से रिपीट करूं, फिर से देख लो, देखो ये पूरा एंगल डीबी से आर, क्योंकि डीबी आर के परपेंडिकुलर है, डीबी आर के क्या है परपेंडिकुलर, तो ये पूरा एंगल 90 है, ये बात समझ आई, मैंने भाई थोड़ी ये सोल्व करा, ये एक्स है तो ये आपके पास कितना है थीटा है, तो ये कितना अपना 90 माइनस थीटा, तो एक्स प्लस 90 माइनस थीटा, ठीक है बेटा, तो ये कितना आ गया x बराबर थीटा, तो ये एंगल थीटा बनेगा तो ये भी थीटा बनेगा, ठीक है, अब देखो आगे, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब ये थीटा समझ आ गई भाई ज्योमेट्री, अब मैं इस सबको हटा रही हूँ, बाकी तुम डायरेक्ट भी कर लेना डेरिवेशन के लिए, ठीक है, अब मैं इस थोड़ा सा हटा देती हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बना हुआ है ये सारे एंगल उंगल, ठीक है, अब पहला पर्पज यही था यहाँ समझाने का कि ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा आपका थीटा, अब देखो डीबी के दो कंपोनेंट बने, एक कंपोनेंट इधर आएगा डीबी साइन थीटा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा डीबी कोस थीटा, ठीक है, अब इधर देखो ये डीबी है, इसका एक कंपोनेंट इधर आया डीबी कोस थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा डीबी साइन थीटा, मैंने डीबी क्यों लिखा, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट माना है डीएल, डीएल स्मॉल एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके कारण क्या होगी स्मॉल ही होगी, ठीक है, तो अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो अकॉर्डिंग टू बायोट-स्वार्ट्ज लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-स्वार्ट्ज लॉ डीबी का फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, ये पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे डीएल और आर, ये डीएल और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, डीएल देखो आई करंट अंदर जा रहा है, आई करंट कॉइल के अंदर है, ठीक है, देखो आई करंट अंदर है, आर ऐसे है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर ना, ये 3D में है, I करंट कॉइल के अंदर है और ये R है ऐसे, तो I और D, ये करंट I अंदर जा रहा है इस कॉइल के और ये आपके पास R है, तो दोनों बीच में एंगल क्या बना 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा क्या बना आपका 90 डिग्री, DL और R के बीच का एंगल क्या आपका 90 डिग्री, तो DB की वैल्यू क्या बनी आपकी म्यू नॉट आई डी एल बाई आर का स्क्वायर, क्योंकि ये साइन 90 की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी 1। अब बात करते हैं इस केस में रिजल्टेंट फील्ड की, रिजल्टेंट फील्ड जो है आपको यहाँ पे कैसे मिलेगी, देखो डीबी कोस थीटा, डीबी कोस थीटा, डीबी कोस थीटा कंपोनेंट, कोस थीटा कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल, तो ये तो क्या होगा कैंसिल, ये एक दूसरे से क्या इक्वल एंड अपोजिट, तो इन दोनों कंपोनेंट के कारण कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब यहाँ देखिए, अब आपके पास रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो किसके कारण एग्जिस्ट करेगी, ये डीबी साइन थीटा कंपोनेंट के कारण, किसके कारण एग्जिस्ट करेगी डीबी साइन थीटा कंपोनेंट, तो देखो डीएल डीएल नंबर ऑफ कंपोनेंट है ना यहाँ पे हमारे पास, डीएल डीएल नंबर ऑफ कंपोनेंट है, तो टोटल के लिए क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी यहाँ पे वो किसके कारण आएगी डीबी साइन थीटा कंपोनेंट के कारण, ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार थोड़ी सी, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा के सामने ये है आर कैपिटल आर, इसको ए लिख देती हूँ, कैपिटल आर को मैं ए लिख देती हूँ, ठीक है, ए बाई आर आ जाएगी, ए बाई आर, और ये डिस्टेंस मैं एक्स कह देती हूँ,
तो आर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, यहाँ पे देखो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, साइन थीटा की। अब इतना लिखो एक बार, फिर थोड़ा सा करती हूँ, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए एक बार यहाँ पे। बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछ सकता है कोई बच्चा मुझे। थोड़ा सा इसमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में कंफ्यूजन हो सकता है, पर वो मैंने दिखाने की कोशिश करी है बिल्कुल सीधे सीधे कि ये रिंग है, सीधा आपके सामने मैंने बनाई हुई है, ठीक है। ये आर गई हुई है, ये सेंटर से रेडियस है आपके सामने, ठीक है। करंट अंदर जा रहा है कॉइल के, तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के यहाँ ऐसे जाएगी, और एक बार अंदर से इधर से, तो एक बार इधर जाएगी। तो ये एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ठीक है। तो रिजल्टेंट फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी। इसके दो कंपोनेंट बने, कॉस थीटा और साइन कॉस थीटा वाले कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल। ये थीटा एंगल 90 कौन सा लिया, डीएल और आर के बीच में, कि डीएल जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, आर के। डीएल जो है परपेंडिकुलर है, करंट अंदर जा रहा, करंट कॉइल के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर। करंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, आर ऐसे, डीएल और आर एक दूसरे के यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये एंगल 90, तो ये डीबी की वैल्यू आ गई आपके पास। इसको एक बार जल्दी से नोट करिए सारे, ये चैटिंग नहीं बात बीच में ज्यादा फालतू किसी की, जल्दी से नोट करिए। मैं फिगर को हटाऊंगी फिर एक बार यहां से, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया नोट? नो मैम। जल्दी करो बेटा। कैंसिल नहीं कर रही हूँ, ठीक है।
तो मैं इसको लिख रही हूँ म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, टू से टू कैंसिल कर रही हूँ पाई, ठीक है पाई ऊपर वाला रख लिया मैंने एज इट इज, इंटू टू पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आर की वैल्यू कितनी थी आपके पास फिगर में, ये आर की तो वैल्यू थी ना, देखो ये वैल्यू किसकी है आर की, आर की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आर की वैल्यू और यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है मैं इधर से हटा रही हूँ इसको एक बार, तो ये बनेगा आपके पास यहां से म्यू नॉट आर की वैल्यू यहां पुट करोगे तो म्यू नॉट आई ये पाई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू पाई, आर की वैल्यू क्या पुट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो आर की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो जो आर स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं आर स्क्वायर को लिख रही हूँ, तो ये वैल्यू आ गई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये बन जाएगी आपके पास यहाँ से म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर, ठीक है टू पाई ये सेम बेस है तो पावर एड हो जाएंगी, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, देखो पाई ए स्क्वायर एरिया बन गया सर्कल का, पाई ए स्क्वायर क्या बन गया एरिया ऑफ द सर्कल, तो इस रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ म्यू नॉट आई ए बाई टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, ठीक है तो एक तो रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से क्या मिल गया ये वाला रिजल्ट, ठीक है अब देखो इस अगर मैं पाई से पाई को कैंसिल करना चाहूँ तो कैंसिल भी कर सकती हूँ, ठीक है पाई से पाई को कैंसिल कर दूंगी, तो इस रिजल्ट को हम इस तरीके से लिखते हैं आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री बाय टू, तो ये रिजल्ट दोनों तरीके से यूज हो सकता है, जब हम इन दोनों का सिग्निफिकेंस बताऊंगी, जब हम इस रिजल्ट को ए स्क्वायर की फॉर्म में कंसिडर करते हैं ए की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या मतलब है और यहाँ से क्या मतलब आपके पास, यहाँ पे तो सिंपल फॉर्मुलेशन आ गया आपके पास, कोई जाके ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड विरुद्ध सर्कुलर लूप, तो ये दोनों ही फार्मूले किसके हैं मैग्नेटिक फील्ड विरुद्ध सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट, अगर हम एक्स की वैल्यू को अब चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी चेंज, जैसे सर्कुलर कॉइल है एक बार मैं एक्स को यहाँ ले रही हूँ एक बार मैं एक्स को यहाँ ले रही हूँ एक बार मैं एक्स को यहाँ ले रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वेरी कर जाएगी चेंज हो जाएगी यहाँ पे आपकी, ठीक है तो आपके पास तो ये आपके पास क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड विरुद्ध सर्कुलर कॉइल, एक बार नोट करिए फिर इसके आगे डिस्कस करती हूँ केस, आगे जो मेन केस है जहाँ से क्वेश्चन आता है वो डिस्कस करते हैं, इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए किसी भी बच्चे को कि मुझे ये समझ नहीं आया, बाकी केस समझाऊंगी जब और अच्छे समझ आ जाएगा तो डायरेक्शन वाला फंडा कम भी क्लियर हुआ होगा, तो जल्दी नोट कर लीजिए 1 2 3 जल्दी नोट कर लो, देखिए केस इसके केस नंबर फर्स्ट इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर केस नंबर फर्स्ट देखिए इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए मतलब कि ये सर्कुलर कॉइल थी, अब आपके पास ये डिस्टेंस एक्स थी, ठीक है ये एक्स जीरो का मतलब ये पॉइंट सेंटर पे आ गया, एक्स जीरो का मतलब हम कॉइल के सेंटर पे आ गए, ठीक है तो क्या बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नोट आई ए स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, एक्स तो जीरो हो गया क्या बचा आपके पास इस केस के, यहां से देखो इस केस को क्या बचा ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, ये टू से टू कैंसिल तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर टू ए क्यूब, ए स्क्वायर से ये कैंसिल तो बी की वैल्यू क्या आई म्यू नॉट आई बाई टू ए, तो देखो यही निकाली थी कल आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लिया था सेंटर ऑफ द लूप म्यू नॉट आई बाई टू ए, या आर रेडियस थी यहाँ पे ए रेडियस ले रखी है, ठीक है तो यो एट एनी पॉइंट से वो जर्नल आ गया, आप सेंटर में भी निकाल सकते हो किसी एक्स डिस्टेंस में भी निकाल सकते हो, आपके पास ये जर्नल केस हो गया मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप का, ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, जो एक्स जीरो का मतलब तुम सेंटर पे पहुंच गए कॉइल के और सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी बन जाएगी म्यू नॉट आई बाई टू ए, ये कल भी निकाली थी आपने डेरिवेशन से, ठीक है तो
तो मैं जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ सर्कुलर लो जो मैटेनिक पॉइंट निकालते हैं तो उससे हम सेंटर पे भी फाइंड आउट है कर सकते हैं। अगर हम क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वहां पे क्या होती है आपकी चेंज हो जाती है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस है आपके पास, यही लिखती हूँ एक बार, पहले इसको लिख लो। नेक्स्ट केस देखिए, नोट कर लिया। देखिए नेक्स्ट केस, अब अगर आपके पास इफ एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स जो डिस्टेंस है क्वाइल है, ठीक है, क्वाइल तो जैसे आपके पास यहां रखी हुई है, ठीक है। अब एक क्वाइल को तुम 1 किलोमीटर की दूरी से देखोगे तो नेग्लिजिबल ही हो जाएगी। जैसे ये क्वाइल है यहाँ रखी हुई तो मेरे को बहुत बड़ी दिख रही है, तुम्हें भी कैमरे में दिख रही है थोड़ी सी, लेकिन अब मैं इस क्वाइल को यहाँ रखकर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस से देखूंगी तो मुझे क्या दिखा, नेग्लिजिबल ही होगी, नहीं दिख ना के बराबर, ये मेरे लिए तो दिखाई नहीं देगी मुझे ये। तो उस सिचुएशन में क्या बन जाएगा, जब एक्स ग्रेटर ग्रेटर देन होगा ए से, तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर टू, इसको नेग्लिजिबल कर देंगे ए को, या नीचे से एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये इसे कैंसिल, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2x³, तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2x³, ठीक है। मीटिंग ऑफ हो जाए, दोबारा कनेक्ट हो जाना सर, क्लियर हो गया। एक केस और देख लो इसका, अगर एक्स ए के बराबर हो जाए, मतलब क्वाइल की जो रेडियस है, क्वाइल की जो रेडियस है वो ए डिस्टेंस एक्स जो है ए के बराबर है, ठीक है, तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो केस नंबर थर्ड, जब एक्स बराबर है किसके, ए के, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर टू, एक्स बराबर ए पुट कर दो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² की पावर 3/2, और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख लो, अदरवाइज ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख लो भाई इसको, ये बन जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2, ये 2 की पावर 3/2 इंटू ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, और देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3/2, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 1 प्लस 3/2 कितना बन गया, 2 की पावर 5/2, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 की पावर 5/2 ए क्यूब, 2 की पावर 5/2 ए क्यूब, तब आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। तब आपके पास इस फैक्टर से 2 की पावर 5 है, नीचे किसी को नहीं दिख रहा हो, 2 की पावर क्या है ये 5/2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एक्स बराबर किसके है, ए के, रेडियस जो है डिस्टेंस एक्स के क्या है, बराबर है, तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। ये सारे केस नोट करिए, फिर इंपॉर्टेंट ग्राफ डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। जल्दी नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, 1 2 3 नोट कर लिया सभी ने, कोई डाउट है तो पूछ सकता है कोई बच्चा। ये माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है, चलिए ठीक है आगे देखो। मैम एक मिनट, ओके,
स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा ये आप। हो गया भी आया हुआ है ग्राफ का इसका। देखो एक पॉइंट और देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, एक कांसेप्ट पढ़ेंगे इसका मीनिंग और समझ लीजिए। जो रिजल्ट लिखा मैंने, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां से क्या आई, म्यू नॉट आई बाई ए 2 पाई x² + a² की पावर 3/2। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू ए। ये पहले भी कहीं कभी पढ़ा होगा आपने कि कोई लूप है उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ए उसका एरिया है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, आई इंटू में ए हो जाएगा। उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, करंट आई इंटू में एरिया। तो यहाँ से एक फिजिकल सिग्निफिकेंस पता लगा हमें यहाँ से कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर कॉइल से हम किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉइल बिहेव लाइक एज ए मैग्नेट। ये कंसेप्ट क्या बता रहा है कि हमें यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट मिला यहाँ से। इसका मतलब ये है कि कॉइल लाइक बिहेव एज ए मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट का ही मैग्नेटिक मोमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो एक आपके पास, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ये एक फेस से देखते तो कॉइल की पोलरिटी साउथ दिखाई देती है, दूसरे से नॉर्थ दिखाई देती है। तो कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो कैसे बिहेव करेगा एज ए मैग्नेट। अगर मैं इस कॉइल को यहां पे देखो, ये एक कॉइल है आपके पास, ठीक है, यहां से इस पॉइंट पे ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है कॉइल में, ठीक है। करंट अंदर, तो देखो डीएल करंट ऐसे जा रहा है ना, तो डीएल ऐसे था, तो डीएल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुई, एक बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हुई, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ये मिली आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपको डीबी कॉस थीटा के कारण मिली थी, और उसकी वैल्यू कितनी आई सोल्व करी तो आपने म्यू नॉट आई ए स्केयर 2 a² + x² की पावर 3/2, यही रिजल्ट निकाला अभी आपने, ठीक है। अगर हम इसकी दूसरी तरफ देखें, इस कॉइल के इधर, तब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट ऐसे जा रहा है, देखो ये करंट ऐसे डीएल एलिमेंट, ये डीएल आई की डायरेक्शन में होगा, आई की डायरेक्शन में डीएल होगा, देखो ध्यान से। तो ये डीएल, तो करंट देखो मेरी उंगलियां ऐसे जा रही है, ऊपर जा रही है ना ऐसे, तो मेरी उंगलियां ऐसे जाएंगी, ठीक है। अब ये देखो, ये डीएल ऐसे है इधर इस डायरेक्शन में नीचे, तो मेरी उंगलियां ऐसे तिरछी हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या आई, ये आई। तो आपके पास कॉइल के ची तुम इधर देखो ची तुम इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, एक ही डायरेक्शन में। ये भी एक ही डायरेक्शन का मतलब समझ लो क्या है, इसका मतलब है कि इससे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, तो यहां से अंदर आ रही है कॉइल के। कॉइल को देखो ऐसे, देखो ऐसे ये तार ऐसे निकल गया, ऐसे देखो ये ऐसे, ठीक है। कैप की भी डायरेक्शन वही है और इस मेन टिप की भी डायरेक्शन वही है। तो ये क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है कॉइल के, और ये कहां है बाहर, ये कहां है अंदर, ये कहां है बाहर, ये अंदर ये बाहर। तो डायरेक्शन क्या आ रही है, यही डायरेक्शन, इसमें भी डायरेक्शन ये आई और इसमें भी डायरेक्शन ये आई, ठीक है। अब अगर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस पॉइंट का, अभी रुको, ये तो तुमने अभी निकाला है, मैंने सॉल्व भी करके दिखाई, डीबी को डीबी कोस थीटा कंपोनेंट, डीबी साइन थीटा कंपोनेंट, साइन कोस थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो गए थे, रिजल्टेंट डायरेक्शन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा कंपोनेंट के कारण मिली थी, ठीक है। सेम कंसेप्ट वही, ठीक है, चारों केस में। अब अगर मैंने मान लिया कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, करंट अपनी बार ऐसे फ्लो कर रहा है, तो देखो अब मेरा डीएल ऐसे, ठीक है, मेरा डीएल ऐसे है क्योंकि करंट मेरा ऐसे जा रहा है, ठीक है। और यहां पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो ये डीएल ऐसे है, देखो ये डीएल ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मेरी अंदर मेरी उंगलियां अंदर आ रही है ऐसे नीचे की डायरेक्शन में, ऐसे बाहर नहीं जा रही, अंदर आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी डीबी। इसी तरह इसके कारण क्या आएगी, ऐसे आएगी, तो
पूरी तरीके से ट्विस्ट कर दू इसको, पर देखो कोशिश कर रही हूँ, ये डीएल ऐसे अंदर जा रहा है तो मेरी उंगलियां ऐसे जा रही है, देखो मेरी उंगलियां परपेंडिकुलर रख रही हूँ दोनों को, या कोई ऐसे मत रख देना कभी, कोई मत मैडम ऐसे रखो, मेरी मर्जी, तेरी मर्जी नहीं चलेगी, ये अंगूठा रही है परपेंडिकुलर होने चाहिए, हमें इस तरह की सिचुएशन रखनी है, ठीक है। तो डीएल और डीबी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे अंदर, तो मेरा अंदर ये ऐसे गई तो मेरी उंगलियां ऐसे जा रही है, तो मेरी उंगलियां इस डायरेक्शन में गई, तो रिजल्ट है मैग्नीफाइड ऐसे आएगी। इसी तरह जब मैं इस स्क्वायर के इस डायरेक्शन में देखूंगी तब भी मेरे पास एक डीबी ऐसे, एक डीबी ऐसे, और रिजल्ट है मैग्नीफाइड की डायरेक्शन ऐसे। तो ये क्या बता रहा है आपकी बात, ये डायरेक्शन बता रही है क्वाइल के अंदर मैग्नीफाइड जा रही है, और ये बता रहा है क्वाइल के बाहर मैग्नीफाइड। मैग्नीट्यूड हर केस में यही आएगा, मैग्नीट्यूड हर केस में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड हर केस में क्या रहेगा सेम। अब इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला यहाँ से कि ग्राफ कैसे बनेगा, क्या आप ग्राफ ऐसे बनाएंगे कि ये बी और ये एक्स, तो आपने कहा कि जैसे आप दूर जाएंगे जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो बी घटेगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो बी घटेगा, ये बात समझ आती है। तो आप ग्राफ को क्या ऐसे बनाएंगे कि एक बार ऐसे एक बार ऐसे, क्या ये ग्राफ सही है आपका बताइए, ये ग्राफ गलत है और बहुत कंफ्यूज डाल दे गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार डायरेक्शन तुम्हारी पॉजिटिव में है तो एक बार डायरेक्शन तुम्हारी नेगेटिव में, इसका मतलब तो यही हुआ। अब तुम्हारी डायरेक्शन देखो, इधर भी ऐसे जा रही है, इधर भी ऐसे जा रही है कि एक्सिस में जा रही है, इधर की इस केस में देख लो, इस केस में तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नीफाइड इधर आएगी, इस केस में तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नीफाइड इधर आएगी, तो इसका मतलब आपका ग्राफ जो बनेगा इस केस में वो ऐसे बनेगा। हालांकि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस पढ़ा था तब हमारा ग्राफ यही था, क्योंकि हमारी सिचुएशन यही बन रही थी तब, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। लेकिन इस केस में केस अपोजिट चल रहा है, तो इस केस में या तो ग्राफ ऐसे आएगा या फिर ग्राफ, या तो देखो इस केस के लिए बात करो तो ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो या तो दोनों इस साइड के कारण भी और इस साइड के कारण भी, इस साइड के कारण भी और इस साइड के कारण भी, या तो मैग्नीट्यूड चेंज तो हो रही है, देखो एक्स एक्सिस के साथ मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है बिल्कुल, और जब एक्स जीरो होगा तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी, एक्स जीरो के ऊपर सेंटर के ऊपर मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी आपके पास, ठीक है। या इस केस के लिए मैग्नेट बनाते हो ग्राफ नीचे वाले के लिए, तो आपके पास ग्राफ या फिर इस तरीके से बने, तो ग्राफ एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो पॉजिटिव एक्स इस डायरेक्शन में वाई के डायरेक्शन में इधर पॉजिटिव वाई में, या फिर पॉजिटिव एक्स में ही होगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ नहीं बनेगा इस केस का कि कभी ऐसे, ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि सर्कुलर लूप में उसमें हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वहां पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस की कंडीशन में हम कॉइल को कंप्लीट एक डायरेक्शन में मानते हैं, तो वहां पे हमारा केस अलग बन जाता है, वहां पे रिजल्ट एंड मैग्नीट्यूड कॉस थीटा कंपोनेंट के कारण मिलती है, यहाँ पे रिजल्ट एंड मैग्नीट्यूड साइन थीटा कंपोनेंट के कारण मिलती है, तो इसलिए उस केस को इसको कंपेयर करके देखना एक बार, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ग्राफ आपका ये आ जाएगा, समझ आ गया। तो ये ग्राफ नहीं होगा, तो ग्राफ आपका ये बनेगा। ये कैसे समझ आया आपको कि देखो ये डायरेक्शन भी इधर है और ये भी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो या तो ये फिजिकल मीनिंग के वजह से कि ये बता रहा है कि ये बता रहा है कि डीबी कॉइल के अंदर जा रही है और ये बता रहा है डीबी कॉइल के बाहर जा रही है, ठीक है। और ये है तो एक ही डायरेक्शन में ना, पॉजिटिव एक्स में है, देखो तीर का निशान तो दोनों का एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इस केस में भी तीर का निशान दोनों का एक ही डायरेक्शन में आ रहा है आपके पास, तो आपके पास जब लूप में तुम ग्राफ बना रहे हो तो तुम ऐसे कैसे बना सकते हो, इसका मतलब तो एक बार तुम इधर पॉजिटिव में ऐसे जा रहे हो, एक बार तुम वाई एक्सिस में जा रहे हो, एक बार तुम एक्स एक्सिस में बढ़ रहे हो, तो ये ग्राफ आपका गलत होगा इस तरीके से बनाना, आपका ये ग्राफ राइट होगा यहाँ पे, इस केस में इस तरीके का ग्राफ बने। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी यहाँ पे, देखिए एक बार ये क्वेश्चन। टू एक्सियल सर्कुलर लूप L1 एंड L2 ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर प्लेस एज शोन इन फिगर, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप L2 सो दैट नेट फील्ड एट द सेंटर इज 0। दो लूप दे रखे L1 एंड L2, ठीक है। तो आपके पास इसमें करंट I1 है, इसमें करंट क्या आपका I2, तो आपको ये बताना है यहाँ पे I2 की क्या डायरेक्शन हो, क्या मैग्नीट्यूड हो कि सेंटर O पे ऊपर मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो पहले आप मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं फिर डायरेक्शन समझाते हैं, ठीक है। तो आपके पास मैं क्वेश्चन को हटा रही हूँ, एक बार देखो। देखो मैग्नीट्यूड एट द ओ पॉइंट से मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था,
एक्सिस पे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला था कि किसी कॉइल के कारण किसी पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड जब निकालते हो, ठीक है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। तो मैं ये कहूंगी मान ली इसके कारण बी वन मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, इसके कारण बी टू, तो बी वन बराबर हो जाएगी किसके, बी टू के। बी वन बराबर है बी टू के, क्या कह रहे हो बेटा एक बार? मैंने एक आधा फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए क्लास के अलावा। प्रदीप, तो बी वन बराबर हो जाएगा किसके, बी टू के। तो बी वन बराबर है किसके, बी टू के, मतलब बी वन माइनस बी टू की वैल्यू जीरो होगी, तभी सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि बी वन बराबर होगा किसके, बी टू के। तो अब आपके पास निकालते हैं वैल्यू, तो क्या बन जाएगी, यहाँ से ये डिस्टेंस जब आप निकालोगे, देखो ये यहाँ से, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा, 9 + 16 कितना होगा, 25। 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 5। इसी तरह ये वाली डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो लगाते हैं फॉर्मूला, बी वन की वैल्यू म्यू नोट आई वन, आई वन कितना दे रखा है, 1 एम्पियर, ठीक है। म्यू नॉट आई वन मैं लिख देती हूँ पहले, आई वन इंटू ए स्केयर डिवाइडेड बाई 2 a² + x² की अंडर रूट, मतलब इसका अंडर रूट क्या बनेगा, 3 का स्केयर + 4 का स्केयर, ठीक है। म्यू नॉट आई टू इंटू ए स्केयर, ए रेडियस इस केस के लिए कितनी, 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्केयर, इस केस के लिए रेडियस कितनी है, 4 का स्केयर, ठीक है, इंटू 2, क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से ये 3 का स्केयर + 4 का स्केयर इसकी पावर 3/2, यही बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब सीधा सीधा करो, ये आई वन कितना दे रखा, 1 एम्पियर, म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आई वन की वैल्यू 1, 3 की वैल्यू 9 का स्केयर, तो देखो ये 25 आएगा, सॉरी ये अंडर रूट नहीं है, ये इसकी पावर 3/2 है, अंडर रूट में नहीं है ये, इसकी पावर कितनी है ये, 3/2, तो 9 + 16 = 25, 25 की पावर 3/2, इधर भी कितनी है ये, आई टू इंटू 16, ये 25 की पावर 3/2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो ये बना 9 = i2 * 16, तो i2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/16, आई टू की वैल्यू कितनी आ गई, 9/16 एम्पियर। इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आई टू के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन देखो, एंटी क्लॉक वाइज के काम वैसे भी याद कर सकते हो कि आपके पास मैंने बताया था अभी कि ये एंटी क्लॉक वाइज है, तो देखो ये डीएल एलिमेंट ऐसे होगा एंटी क्लॉक वाइज में, ठीक है, तो ये रहा डीएल एलिमेंट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, यहां से ये ऐसे, और इसमें ये डायरेक्शन होगी, तो देखो ये आपके पास डीएल, तो ये मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन ये आएगी, तो इस केस में ये रिजल्टेंट डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग ये होगी, ठीक है। तो इसके कारण ऐसे आनी चाहिए, तभी तो एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। अब अगर आप डायरेक्शन देखो, अगर आप इसमें कहते हो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसमें भी करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो इसमें देखो अभी मैंने जो केस समझाया, तो इसमें इस डायरेक्शन में यही होगा, अगर जब सीधा सीधा इसको क्लॉकवाइज मानोगे, क्लॉकवाइज मानोगे, तो इसके कारण डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इसमें मतलब कि इस क्वाइल से अपोजिट डायरेक्शन में इसमें क्या फ्लो करना चाहिए, करंट। इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज। या फिर वो पूरा फैक्चर जो मैंने बना के दिखाया वो देख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो कि इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में इसमें करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, तभी इस पॉइंट ओ के ऊपर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, जीरो बन जाएगी, ठीक है। बोलो समझ आया या नहीं आया, एक बार बताइए भाई। अरे क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, नहीं आया तो बता दीजिए एक बार,
कंचन योगी। ठीक है बेटा, और भी बताइए बेटा, किसी को भी डाउट है तो बोलिए एक बार।